अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये बच्चा यहाँ पर सदाबहार का पौधा लगा रहा है। बेटा आप कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल, आप कहाँ से आए शीतल? जयनगर वाले बाग से। तो आप पौधे क्यों लगा रहे हो? पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अरे वाह, वेरी गुड। शॉप। और ये छोटा सा बच्चा पेड़ लगा रहा है, सदाबहार का फूलों वाला पेड़ लगा रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आप कहाँ से आए हो? वजीरपुर से। और आप ये पौधे किस लिए लगा रहे हो? पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अरे वाह, शाबाश। इतना छोटे बच्चे को ये पता कि पेड़ लगाने से जीवन बचता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक छोटा सा बच्चा है, आपका क्या नाम है बच्चा? सुजीत। सुजीत, आप ये क्या कर रहे हो? पेड़ लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो पेड़, क्या जरूरत है पेड़ लगाने की? पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। कहाँ से आए हो आप सुजीत? वजीरपुर से। और आप पेड़ों का ध्यान रखोगे? आप 24 घंटे यहीं घूमते रहते हो तो पानी वानी देते हो पौधों को? जितने पेड़ लगाते हो पानी भी देते हो? शाबाश, वेरी गुड। और ये छोटा सा बच्चा है बेटा, आपका नाम क्या है? तानिया। तानिया, आप कहाँ से आए हो? सांग पार्क से। और ये आप क्या कर रहे हो? मैंने पौधा उगाया क्योंकि ये हमारे जीवन को शांति देता है और यही हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस बच्चे ने ये पतझड़ का पौधा लगाया है और ये पतझड़ का पौधा मेडिसिनल पौधा है, इसकी बहुत ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है फ्रेंड्स। अगर किसी के सूजन आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, पैर में मोच आ जाती है, तो उसकी पत्तियों को गर्म करके सरसों का तेल लगाकर आप बांधेंगे तो आपकी मोच सूजन बिल्कुल सही हो जाएगी। और इसमें जितनी भी गांठें हैं ना, इसको काट करके जहाँ से भी लगाएंगे ये प्लांट अपने आप ही जड़ ले लेता है, तो इसको जरूर लगाना चाहिए। और इसको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, आप 4 दिन में भी पानी देंगे तो ये जीवित रह जाएगा। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी मोटी हैं, उसको केयर की जरूरत नहीं है, बरसातों में आप इनको जरूर लगाइए। और ये मेरे पास छोटा सा बेबी है, आपका क्या नाम है बेटा? कृष्णा। और ये कृष्णा जी हैं जो यहाँ पर सदाबहार का पेड़ लगा रहे हैं। सदाबहार का पेड़ आपको पता है पौधे किस लिए लगाते हैं? कि हमारे जीवन बचाते हैं। अरे वाह, इतने छोटे 4 साल के बच्चे को ये पता है कि पौधे हमारा जीवन बचाते हैं, तो हम लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। बेटा आप कहाँ से आए हैं? ये सावन पार्क से आए हैं बच्चे। और ऐसी जगहों पर रहने वाले इतने छोटे बच्चे में अगर इतनी समझ है और हम पढ़े लिखे लोगों में इतनी समझ नहीं है, तो हमें इनसे जरूर नॉलेज लेनी चाहिए और हमें प्लांट जरूर लगाने चाहिए। हाँ, अभी बहुत सारे पौधे लगाएंगे लेकिन उन पौधों में पानी डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं ना बेटा, उसी तरह पौधों को भी मिट्टी की और पानी की उतनी ही ज़रूरत है, सिंचाई की उतनी ही ज़रूरत है, तभी ये जीवित रह पाएंगे। तो पौधों को पानी देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें अपने लिए भोजन की ज़रूरत है। तो उनको माँ समझना चाहिए और पौधों को माँ पुत्र, ये धरती पुत्र हैं जो हमें जीवन देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो जिस तरह आप ये पौधे लगा रहे हो ना बेटा, आप उसी तरह आप इन पौधों की देखभाल भी जरूर करना। किसको पानी चाहिए? और ये यहाँ पर पर्पल प्लांट लगा रहे हैं, ये खूबसूरत प्लांट है, ये डेकोरेशन के काम आता है और फिर पार्क की जैसे बाउंड्री होती है ना उसके काम आता है। तो हम यहाँ पर अभी लगा रहे हैं, ये थोड़े दिन में फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा ना, तो हम इसकी बाउंड्री भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये और इसकी भी देखभाल की ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये छोटी सी गुड़िया एक हाथ में प्लांट ली है, एक हाथ से खोद रही है। नौ बेटा मैं खोदूं। अपने आप ही जड़ पकड़ लेगा। ये सदाबहार का पौधा है और ये 12 महीने जिंदा रहता है। बस आप इसमें एक दिन बाद पानी डाल देंगे ना थोड़ा, तो ये जिंदा रहेगा। और बरसातों में तो बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं है, नमी होती है मिट्टी में। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगेंगे और जब भी आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये मैंने लगाया था। एक और प्लांट, ये तो पतझड़ का लगाया है बच्चे ने, ये वाला लगाया आपने, ये सदाबहार का, ये वाला किसने लगाया? ये वाला आपने लगाया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। और ये छोटा सा नीम का,
और ये वहाँ पर हम अजवाइन का प्लांट लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है, इसको उबाल कर पीने से बरसात के सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और हमारे को इम्यूनिटी मिलती है, ये हमारे पेट में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। तो अजवाइन का पौधा घर घर में होना चाहिए और पार्कों में भी लगाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब भी अपने घर के आसपास प्लांट्स जरूर लगाइए, क्योंकि कोरोना में हम सबको ये पता लग ही गया है कि प्लांट्स हमारे जीवन के लिए कितने ज़्यादा जरूरी हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम यहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए आए हैं, पेड़ों की जरूरत हम सबको पड़ती है और कोरोना महामारी ने हमें ये बता दिया है कि प्लांट्स हमारे लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन जो ये पेड़ पौधे हमें फ्री में देते हैं ना प्लांट्स, वो हमने बहुत ज़्यादा पैसे देकर खरीदने की कोशिश करी कोरोना समय में, और फिर भी हम बहुत सारे लोगों के सगे संबंधी ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राण गंवा बैठे। इसलिए आज हमने फैसला किया कि हम प्लांट्स लगाएंगे और ये सारे बच्चे आए हैं, ये अलग अलग जगहों से आए हैं, कुछ बच्चे हैं जेलर वाला बाग से। आप कहाँ से आए हो बच्चे? ये सावन पार्क से आए हैं। तो बच्चे अलग अलग जगहों से आए हैं और सारे बच्चों का सिर्फ एक और एक ही संदेश है। क्या संदेश है? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। देखिए वो छोटा सा बच्चा भी बार बार यही कह रहा है, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। बोलेंगे बेटा पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो यही संदेश हमें पूरी मानव जाति को देना है, यही संदेश देने के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और आप सबको कह रहे हैं कि आप भी ये वीडियो जरूरत से ज्यादा जगह जगह शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है। आज जो हम प्लांट्स लगाने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो सदाबहार के प्लांट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सुंदर फूल देते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है। और हम लगाएंगे पतझड़ के पौधे। पतझड़ के पौधे इतने ज्यादा उपयोगी हैं, अगर किसी का पैर में सूजन आ जाए, मोच आ जाए, कट जाए, फट जाए या फोड़ा हो जाए, तो पतझड़ की पत्तियों को हल्का सा गर्म करके सरसों का तेल लगाकर वहां पर बांध लेने से वो बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो हम ये वाले प्लांट्स लगाएंगे, कुछ तुलसी के प्लांट्स भी लगाएंगे और कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लगाएंगे, पर्पल प्लांट, जो कि ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर उनको चार दिन भी अगर हम पानी नहीं देंगे तो भी वो जिंदा रह सकती हैं, लेकिन वो बाउंड्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हम तरह तरह के प्लांट्स यहाँ पर लगाने वाले हैं और ये प्लांट्स हम सब अपने अपने घरों से ही लेकर आए हैं जो हम यहाँ पर प्लांट्स लगाएंगे, और इसके बाद ये प्लांट्स लगाने के बाद हम उनकी पूरी तरह देखभाल भी करेंगे, ये भी हम यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं।